और इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। राहुल गांधी अपनी दोनों सीटें, मतलब रायबरेली सीट उत्तर भारत वाली, वायनाड सीट दक्षिण भारत वाली, दोनों सीटों पर राहुल गांधी ने बढ़त बना रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से आगे चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त मामला बेहद दिलचस्प हो गया है। शुरुआती रुझान नंबर देखिए किस तरीके से एनडीए 24 पर है, इंडिया गठबंधन 44 पर है, ये लगातार फासला जो है वो बना हुआ है और इंडिया गठबंधन शुरुआती रुझानों में लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले दिनों देश ने जितने एग्जिट पोल के आंकड़े देखे, उन तमाम एग्जिट पोल के आंकड़ों में इंडिया गठबंधन का तो सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा था और एनडीए जो है वो करीब करीब 400 के पास पहुंचता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए पीछे है, इंडिया गठबंधन आगे है। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन 44, नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन 24। और लीजिए फिर से आंकड़ा बदला, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन 50, नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन 30। तो ये लगातार आंकड़ा बदल रहा है और अभी तक शुरुआती रुझानों में लगातार इंडिया गठबंधन जो है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। एनडीए अभी तक कोप अप करता हुआ इंडिया गठबंधन के साथ नजर नहीं आ रहा है। आंकड़ा बदला, एनडीए ने भारी छलांग लगाई, अब एनडीए 37 पर पहुंच गया है, इंडिया गठबंधन वही 50 पर रुका हुआ है। ये तस्वीर क्या बदलेगी, किस तरीके से बदलेगी? ABP News, आपको रखे आगे।